मैं बहुत मन के साथ, देखिए इसके साथ इतने सारे किस्से जुड़े हुए हैं अगले के साथ कि मैं अगर सुनाना शुरू करूं तो 3-4 घंटे तक आप सुनते ही रहेंगे। ये एक दिन मेरे पास फोन करता है, बोले मनोज भाई मेरी भैंस बीमार है। तो मैंने कहा तेरे को देख के बीमार हुई होगी। तो बोले नहीं कसम से भैंस बीमार है, कुछ जुगाड़ बताओ। तो मैंने उसको जुगाड़ बताई, मैंने कहा लेकिन एक काम, मैंने इसको एक दवा बताई, मैंने कहा उसको पीस के एक पाइप में डालना है। बोले फिर क्या भैंस के मुंह में पाइप डालना है? बोले फिर क्या पाइप मुंह से लगा के फूंक मारना है, दवा भैंस के पेट में जाएगी, भैंस ठीक। अगले ने रट लिया। 2 दिन बाद फोन आया, बोले भाई साहब मैं बहुत बीमार हूं। मैंने कहा क्या हुआ, भैंस का क्या हुआ? बोले भैंस का जो हुआ सो हुआ, मैं बहुत बीमार हूं। तो मैंने कहा क्या हुआ, दवा खिलाई थी? बोले खिलाई थी। बोले सर आपने जैसे बताया था दवा मैंने पाइप में रखी थी। मैंने कहा भैंस के मुंह में पाइप दिया था? बोले दिया था। बोले फिर दिक्कत क्या हुई? मैंने कहा फूंक मारा था। बोले बस यही गड़बड़ हो गई, फूंक मुझे मारना था, भैंस ने पहले मार दिया। तो ऐसे संजय खत्री को आमंत्रित कर रहा हूं, बहुत जोरदार तालियां बजाकर संजय खत्री को आमंत्रित करिए। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन लोग मुझे यहां सुनने के लिए आए, हाथ खड़े करके बताइए। मैं आभारी हूं आप सभी का कि आप लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। ये तो कई जगह तो मुझे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। कितनी मेहनत कर रहे थे बेचारे, कौवा बालू वो कह रहे थे इन्होंने अलीबाबा 40 चोर देखी, पाड़े का कैप्सूल इन्होंने मुझे खिला दिया। ये मालूम ही नहीं कि वो बीमार नहीं था, दरअसल क्या था, वो जो भैंस का पाड़ा था वो दुबला बहुत था, पाड़े को मोटा करने के लिए वो कैप्सूल मंगाया था, वो जैसी पाइप में रखा मैं फूंक मारू उससे पहले पाड़े ने फूंक मार दी, तो मैं ऐसा हो गया। वो ये बात जैसी भाभी जी को मालूम पड़ी है मनोज जी, तब से वो कैप्सूल भाभी मेरे से मांग रही है कि आपके भाई साहब बहुत दुबले हो जाएंगे। ये कह रहे थे कि वो वाह इन्होंने अलीबाबा 40 चोर देखी। वो भाभी जी कल कह रही है कि वो देख के ही है भी कल फिर हम सब चोर हैं। मैं कह रहा हूं मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। भाई साहब अगर ये कलर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो, आ रहा मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा, लाल हरा पीला नीला। और मैं तो उस ये जन्म तो व्यर्थ हुआ भाई साहब, मैं आपकी तारीफ से इतना अभिभूत हूं, इतनी तारीफ मेरे ससुराल वालों ने आज तक नहीं करी मेरी जितनी आपने करी। आपके प्रेम से इतना अभिभूत हूं कि मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में मेरे लिए करवा चौथ का व्रत आप ही रखे। पक्का पक्का। और ये अगर संभव नहीं हो तो मैं इस पावन मंच से ये भी प्रार्थना करता हूं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी मेरे ही कलर की हो। कुंभकर्ण का भाई बता दिया मेरे को, देखिए युद्ध जीतने के बाद में भगवान राम अगर आए थे तो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ बंदर और बांदरी भी आई थी। क्या बात है। और आपको आज अगर इस राम दरबार में सब एक कलर के कपड़े पहने हुए देख लें तो वो सब हम बंदर ही है सुग्रीव की सेना के। बहुत बढ़िया भाई, क्या मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ाया आइनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। क्या बात। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया,
एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं अब आगा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। मैं बहुत बड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है। अच्छा। हाँ, महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता हूँ। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कई, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, विनोद कामली, सुरेंद्र दुबे, शंभु शिखर, नरेंद्र नखेत्री, संजय खत्री, भाई बहुत बढ़िया संजय भाई, अगला नंबर अपने ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी दे के गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा में उसे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूँ। भाई बहुत अच्छा संजय, वाह, एक बार तालियां हो जाए संजय के लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये भी देशभक्ति है और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, वो सफेद पोश देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। वो सफेद पोश देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोश खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, समस्या यह कि गलती हमसे हुई, जिस वक्त उसने बात कही वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो यह समस्या ही खड़ी नहीं होती। वाह भाई, क्या यह समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के बड़े से बड़े छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी। भाई साहब मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है, तो यहां से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। हाँ, अपनी देशभक्ति इतनी है और क्या काला काला करते हो, क्या बात है, क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। ऐसा थोड़ी है, सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। भाई क्या बात है संजय, वाह जिंदाबाद, इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाइए, क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, मैं कर भी सकता हूं, पर क्या इस सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं, समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले, मैं अब तैयार हो गया, और गाय की मैं पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले, मैं अब तैयार हो गया, और गाय की मैं पूरा ओपी नैयर हो गया, और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया कर दे कोई राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं, मंच पर बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहां मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, ये बात मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं।
मैं गया और जाकर कह कर आया कि देख राखी 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली है, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना।